हेलो, मैं कंटिन्यू करता हूँ दोबारा से। फिर वीडियो करप्ट हो गई, समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसे पढ़ाता था, तुमको दिखाई भी देता रहे, वीडियो मेरा करप्ट हो जाती है, मज़ा नहीं आता। मैं पढ़ाते वाला फिर दोबारा से। चलो चलो, साइंटिफिक नेम। इन साइंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव टू रीड अबाउट ईच दस टू एलिमेंट एंड पॉसिबल कंटेंट पॉसिबल कंटेंट पॉसिबल कंडीशन इन यूजिंग लोकल नेम फॉर सब्स्टिट्यूटिंग देम विद द नेम स्पेसिफिक लैंग्वेज लैंग्वेज। साइंस में लोगों के एक दूसरे की रिसर्च को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सब अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, कंट्री के अलग लैंग्वेज है, ठीक है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग अपनी लोकल लैंग्वेज किसी को कुछ नाम से बोलते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी कंट्री में तो उसको कुछ और ही नाम दिया जाता है। अमेरिका में कद्दू को कुछ पंपकिन बोलते हैं, इंडिया में कद्दू बोलते हैं, अब वो समझ ही नहीं पाएंगे सो क्या है क्या नहीं। तो सर, ऐसे कन्फ्यूजन को हटाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, लोकल नेम के कन्फ्यूजन को हटाने के लिए उसको सब्स्टिट्यूट किया गया एक स्पेशल नेम से, जिसको बोला जाने लगा साइंटिफिक लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज में एक उसको अलग ही नाम दिया जाता था, अलग ही नाम दे देते थे इससे हर चीज़ों को, है ना, ताकि उनको समझने में ईजी। इसको बोलते हैं साइंटिफिक, इसको बोलते हैं साइंटिफिक, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम, है ना, इधर लिखे हुए हैं साइंटिफिक नेम सारे। ये जो नाम होते हैं ना, इसके दो पार्ट होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो जीन्स के बारे में बताता है कि पहली चीज तो ये जैसे हिल क्लो है और एक है हाउस क्लो। तो सर, पहला जीन्स तो ये है कि क्रो तो है ही ना, तो वो बताएगा पहला पार्ट। फिर दूसरा सर है तो क्रो, लेकिन क्रो कौन सा वाला है और डिटेल में बता देगा, हिल वाला है हाउस वाला है, तो वो सेकेंड पार्ट हमें बताएगा। तो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आर हिल क्रो इज कॉर्वस मैक्रोरेनकोस एंड कॉर्वस स्प्लेंडेंस। पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट है दोनों, फर्स्ट पार्ट है जो जीन मीन्स में वो जीन्स बताते हैं, इसका मतलब होता है क्रो, इसका मतलब होता है क्रो, इसका मतलब होता है क्रो, क्रो है ना। फॉर गुड and in the second particular species of the gene species of the genes so particular species species se belong karta hai called binomial nomenclature called binomial nomenclature so binomial nomenclature matlab kya hota hai nomenclature matlab naming system naam rakhne ka system binomial matlab do kaisa system introduce ye first time introduce ye first time introduce ye first time introduce kehta hai linnaeus ne theek hai main aapko isse bata dunga agar video mein video purane video mein kuch problem hui hai na आप मुझे संडे को बता देना, एक अगर एक दो लाइन मेरे को पता है फिर वो एक बार स्टक करने लगती है ना, तो मेरे से संडे को डाउट पूछ रहे हैं उस लाइन को, है ना, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स में हाँ दो, साइंटिफिक नेम्स में हाँ दो, साइंटिफिक नेम्स में हाँ दो, साइंटिफिक नेम्स में हाँ दो, रूल दो रूल आपको याद रखने हैं। साइंटिफिक नेम्स और रोमन स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, रोमन स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, रोमन स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। दूसरा, एंड वैन एंड प्रिंट देयर ऑरिजिन, जब इसको प्रिंट करें तो वो हमेशा इटैलिक्स होते हैं, तो आपको दिखाई भी दे दूंगा नीचे इटैलिक्स। ठीक है, और वैन हैंड रिटन द नेम्स ऑफ जीन्स एंड स्पेसिस मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली। जब आप इसको हैंड रिटन करते हो ना कि प्रिंट नहीं कर रहे हो, हाथों से लिख रहे हो, तो उसको अंडरलाइन करते हो, उसको क्या कहते हो, अंडरलाइन। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, वापस फिर ना अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीन नेम शुड बी कैपिटल लेटर, क्योंकि अगर फर्स्ट लेटर जो होगा जीन्स का वो कैपिटल होगा, जबकि जो डिटेल स्पेसी का जो नेम होगा ना वो स्मॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज वाला रूल नहीं चलता कि हर वर्ड के पहले लेटर कैपिटल हो। मैन को होमो सेपियंस बोलते हैं, कैट को फेलिस डोमेस्टिकस बोलते हैं, डॉग को कैनिस फैमिलियरिस बोलते हैं, हनीबी को एपिस इंडिका, हाउसफ्लाई को मस्का डोमेस्टिका, पिकॉक को पेवोक्रिस्टेटस, कोबरा को नाजर नाजा, होपोई तो मैं भी नहीं जानता है क्या होपोई, अलग अलग नाम से जाएंगे उसके। पीपल प्लांट्स में पीपल ट्री को फीकस लिगोसा लिगोसा, मैंगो को मैंगी फेर को, पोटैटो को फलेनम ट्यूबोरोसम, चाइना रोज को हिबिस्कस रोज सिनेंसिस, ओक्रानी भिंडी भिंडी को क्या बोलते हैं हिबिस्कस, एस्प्लेंटस पाइन एप्पल को अनन्नास, कॉस्मो कॉम्बोसस, पीजन पी होती अरहर की दाल, कजनस कजन, महना 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 महना, आपको याद रखने होंगे। अब सैंपल क्लासिफिकेशन है, तो कह रहे हैं
You have now learnt that there are different levels of classification of living beings, na? From the highest level of the kingdom to the lowest level of species. Let us make two examples of example as follows. Example के लिए वो grouping की गई है. Kingdom, phylum, class order, heading दी है. Kingdom कौन सा, phylum कौन सा, class कौन सी, order कौन सा, family कौन से, genes का इनका इंसान, आज का इंसान, आज का इंसान, आज का इंसान, आज का इंसान. हम पांच ऑफ किंगडम पढ़ सकते हैं. किस किंगडम में आते हैं सर? इंसान और बाल जो वो ये क्या हो गया? तो आपका ध्यान है इंसानों का. देखो इंसान के फीचर किस किंगडम से मिलते जुलते हैं? क्या प्लांट से मिलते जुलते हैं? क्या प्लांट किंगडम के अंदर पर नहीं? प्लांट सिस्टम प्लांट वाले के अंदर एक पॉइंट याद आ रहा है कि रूट सिस्टम. हम बता हमारे पास तो रूट सूट होते ही नहीं. डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑर्गन हर रेस्पिरेटरी हर तरह के सिस्टम होते हैं सर. प्लांट्स चल नहीं सकते, हम चल भी सकते हैं सर. फिर हम किस फैमिली में आएंगे? देखो हमारे फीचर किस फैमिली से रहे तो आपको पता लगे कि हमारे फीचर कुछ एनिमल्स से मिलते जुलते लगते हैं. हाँ, इस यही रीज़न है कि हमें एनिमल किंगडम में डाला गया. आज के अंसर एनिमल किंगडम में आता है सर. जो कैट वगैरह हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है, टाइगर है, डॉग है ना, इनको एनिमल बोला गया. ठीक है, और मैंगो को प्लांट है. ठीक है, फैलम क्या होता है? अब ये तो मैं नहीं समझा पाऊंगा भी आपको क्योंकि थोड़ा बायो को फॉर्डी भी आगे बढ़े. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एनिमल्स में एक ये होता है जो एनिमल या फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो मैंगो प्लांट से करते हैं उसमें ये वाला होता है. क्लास मतलब क्या हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो हाँ, नहीं रिप्रोड्यूस भी नहीं, मतलब जिसके पास ब्रीडिंग सिस्टम वो होती है, क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कैपेबिलिटी. तो क्या वो हम तो हम क्या उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस क्लास से बिलोंग करते हैं? हाँ, तो हमको बोलते हैं मेमल्स. मेमल्स ना मेमिलिया, तो हम भी मेमल लिया मेमिलिया. ये एंगियोस्पर्म होते हैं, ये आपको याद रखना है. ऑर्डर अलग से मैं प्राइमेट्स बोल रहे हैं, इनको खाने वाला मांसाहारी सर्वाहारी बेसिकली. फिर खाने वाला सर्वाहारी कार्निवोरा इस सेपेंडल्स. फैमिली किस फैमिली में आते हैं सर? हमें हमारी फैमिली नहीं पता. हॉमिनिडे, ये फेलिडे ये कैनिडे, एनकार्डिया के जो भी है. जीन्स हमारा होमो है, इनका फेलिस है बिल्ली का, इसका पैंथरा है इस टाइगर का, इसका कैनिस है, इसका मैंगी फैला है मैंगो ट्री है ना. इसलिए स्पेशल हम सेपियंस डोमेस्टिकस कहलाते हैं, ये टाइग्रिस कहलाते हैं, ये फैमिलियरिस कहलाते हैं, एंटिका कहलाते हैं. तो कुछ क्लासिफिकेशन आपको क्या गया है? कितने पिक्चर रह गए हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आठ, दस पेज और अभी तो. चलिए कर सो क्लियर रिवाइज कर लेते हैं. जनरल स्कीम ऑफ फाइव किंगडम क्लस्टर, दो तरह के ऑर्गेनिज्म को इसके दुर्बोधता है जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज होता है. बेसिकली मैं बोलूंगा प्रोकार्योट्स, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज उसको होते हैं यूकार्योट्स. ठीक है, इसके अंदर आते केवल एक ही किंगडम, किंगडम मोनेरा. जो कैरेट्स के अंदर से दो तरह के आते हैं, एक सिंगल सेल वाले और एक मल्टी सेल वाले. ये केवल सिंगल सेल वालों की बात हो रही है. इसे यहाँ पे सेल के बीच पे डिवाइड कर दें तो यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टी सेलर. तो यूनिसेलुलर के अंदर एक फैमिली आती है किंगडम प्रोटिस्टा. मल्टी सेलर के अंदर फिर दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं, विद सेलुलर और विदाउट सेलुलर. तो तरीके के अंदर दो तरीके के लोग आते हैं, है ना, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो खाना करते हैं, यानी जो खाना खुद से बनाते हैं उसको किंगडम प्लांट है. जो खुद से खाना नहीं बनाते, डिपेंडेंट रहते हैं, उसके पास सेलवल नहीं, उसके पास सेलवल नहीं, उसके पास सेलवल नहीं, उसको बोलते हैं किंगडम एनिमिलिया. ठीक है,
आप संडे को ना जरा थोड़ा जल्दी क्लास, मैं आपको टाइमिंग बताता, आप एक बार टाइम कर देना कि आप कब तक ले सकते हो ना क्लास संडे को उसको, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए इसमें कुछ वायरस वगैरह आ गया है, तो क्लास चालू कर रहे हूँ, फेस 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 कर रहे होंगे है ना। तो संडे को मैं बताना आप जल्द से जल्द कितनी तक क्लास ले सकते हो, मैं ही बता दूंगा मेरे संडे को क्लास है या नहीं उस हिसाब से। तो संडे को पूरा निकलूँगा यार, उसको सही कराना है ना।